तीन महीने पहला बने आसरा लसंसा की हुण होवेगी वेरीफिकेशन बनाई जाएगी। एक कमेटी डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। बठिंडा जिले के डिप्टी कमिश्नर सौगत अहमद परे ने जानकारी देते हुए दसाया कि सरकार वालों जो आदेश मिले हैं कि जो भी तीन महीने पहला आसरा लसंस बने हैं उन्होंने वेरीफिकेशन की जाए और जे कोई उन्होंने शक लगता तो उसका आसरा लसंस कैंसल किया जाए। इस संबंधी उन्होंने वालों एक कमेटी बनाई जा रही है जो इस सारे मामले में रिव्यू करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों होर आसरा लसंस किसी भी तरह के नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश ने कि जे कोई उन्होंने लगता तो डिप्टी कमिश्नर उसका आसरा लसंस जारी कर सकता, लेकिन बाकी सारे आसरा लसंस एक बार उन्होंने वालों बंद कर दिए गए हैं। सरकार की तरफों जिस तरीके के आदेश प्राप्त हुए हैं, मैंने लगता कि सारियां नूं हुण पता ही हैगा, पेपरों में भी ये पहला ही कवर होया होया है। तो सरकार की तरफों आदेश यह है कि जिन्हें भी हले तक दे लाइसेंस जारी हुए हैं उन्होंने तीन महीने के अंदर अंदर आप समीक्षा करनी है कि वो किड़े लाइसेंस वैपन जोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिए गए हैं जोड़ा कि उन्होंने चरित्र सही नहीं है या फिर किसी होर तरीके के तत्व या फिर गैर मतलब जो नेशन है अपना वो विरुद्ध किसी तरीके की गतिविधियों में वो किसी तरीके शामिल तो नहीं है, तो वो लाइसेंस जोड़ा है आप रिव्यू करके उन्होंने कैंसल करा। तो यदि आप जिले बठिंडे वक्रे तौर पर एक कमेटी बनावे जिद प्रशासकीय अफसर भी होंगे तो पुलिस के अधिकारी भी होंगे, CID के अफसर साहबान भी होंगे, तो उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर आप इस तरीके के लाइसेंस जोड़ा है वो रिव्यू करा। तो नाल ही यह भी ऑर्डर हैगी है कि अज तो बाद हाल की घड़ी जिन्हें नवे लाइसेंस है वो उत्ते पाबंदी रहेगी। सिर्फ उन्होंने लाइसेंसा में ही डिप्टी कमिश्नर जोड़ा है वो जारी कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, जिथे वो खुद संतुष्ट हो कि बिल्कुल असाधारण तरीके की रिक्वायरमेंट है इना इस व्यक्ति की, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लाइसेंस जारी कर सकेंगे। इस तो अलावा होर भी जी सरकार की तरफों आदेश होए ने उन्होंने भी पालना आप जोड़ा है वो इंश्योर करेंगे। सर जिस तरह पैलेसा भी मनाही की यह भी देखा जाऊगा पैलेस कोई ये पहला भी आप देखिए तो जोड़े रूल्स है आर्म्स रूल्स वो साफ तौर पर प्रावधान है कि जोड़े इस तरीके के प्रोसेशन या फिर जोड़े फेस्टिवल्स फेस्टिविटीज़ होंगे या जिते लोगों का इकट्ठ होंगे है उस थान पर एवं नॉर्मल कोर्स में भी आप उत्थे नहीं ले जा सकते, पर सिर्फ पेनल्टी है या फिर लाइसेंस कैंसल हो सकता है। पर हुण इहदे बेसिस ते आपां वी आर कंसीडरिंग कि आपां 144 का ऑर्डर भी पास करिए जो उन्होंने व्यक्तियों के खिलाफ जोड़ा है एक परचा भी दर्ज हो सके। हुण तक किन्ने असले जोड़े ने बठिंडे के लगभग 33,000 के नेड़े जोड़े है टोटल जी फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो ब्रांच में ही पता लगेगी, बट इट्स अराउंड 33,000 कट थोड़ा सा हो सकता है। सर ये जो फैसला लिता गया इस करके लिता गया जिस तरह हम दिन प्रतिदिन जी वारदातें हो रही फायरिंग हो रही है उन्होंने देखते दे रखे भी पहला भी इट्स नॉट कि पहला भी इस तरीके के जोड़े इंसीडेंट्स है तुम्हें भी पता होना कि कई मैरिज पैलेसिस पहला भी गोलियां चलिया ने वो भी लाइसेंस वैपन नाल हुई ने, बट इस बारी दो तीन थावान पर जोड़ा है हाई प्रोफाइल केसिस भी इस तरीके हो जिते कि किलिंग भी हुई चाहे वो अमृतसर का वाकया हो चाहे फिर होर इतने नेड़े तेड़े जोड़े एक दो केसिस होर भी आए थे। तो इस करके सरकार नूं लगिया कि इनू थोड़ा जिहा होर आपां नूं प्रोसेस जिहड़ा हैगा वो थोड़ा सख्त करन दी लोड़ हैगी, ते जिथे एक्चुअल विच व्यक्ति नूं लोड़ हैगी आ उत्थे ही आपां जिहड़ा हैगा गन लाइसेंस उन्हां नूं देवे, ते जनरल पब्लिक विच इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा वो माहौल खराब करन दा मौका नहीं मिलो। सर लिसन जायज़ नजायज़ असले ने जिहड़े वो चैक कीते जाणगे सरकार की तरफों आदेश ये हैगे आ तुहानूं तुसीं पढ़िया भी होना कि बड़ा क्लीयर लिखा होया है कि इस तो बाद भी रूटीन विच भी चैकिंग्स होणगियां पुलिस की तरफों भी प्रशासन की तरफों भी, तो जे इस तरीके नाल कोई भी आती है तो वो खिलाफ़ तो पुलिस कार्रवाई करनी बनती भी है तो होगी भी।